हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल डिज़ाइंस। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। गाइस ए टेप देख के आपको क्या लग रहा है, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस, जो कि हमारे यूनिट कन्वर्जन के बारे में है, जो कि आप वो कन्वर्जन इसी तरह से और प्रैक्टिकली सीख पाओगे कि इंचेस का कन्वर्जन फीट में कैसे रहता है, फीट का मीटर में, और मीटर का ब्रास में, और ब्रास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एज ए साइड इंजीनियर। आपको ये चीज़ें डे बाय डे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइस। अगर आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारे टेलीग्राम चैनल और नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक एक बार ज्वाइन कर लो गाइस, क्योंकि वहाँ पर डेली अपडेट रहती है जॉब के रिगार्डिंग, हमारे ई बुक्स के रिगार्डिंग और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट मिलेगी वहाँ पे, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो गाइस। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस जो कि हमारा फीट टू मीटर होता है, फीट टू मीटर, ओके। उसके बाद फीट स्क्वायर फीट टू मीटर स्क्वायर, उसके बाद मीटर क्यूब टू उसका क्यूबिक फीट, यानी कि अपना होगा क्यूबिक फीट, जो कि आपको साइट इंजीनियर एज ए साइट इंजीनियर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए गाइस, क्यूबिक फीट। यहाँ पर आप ये सभी लिख सकते हो, फीट क्यूब मीटर क्यूब, इसके अल्टरनेटिंग कन्वर्जन है गाइस जो कि आपको आनी चाहिए। तो गाइस ये जो रहता है हमारा हाउ मेनी मीटर्स इक्वल टू हाउ मेनी फीट, हाउ मेनी स्क्वायर फीट इक्वल टू हाउ मेनी मीटर स्क्वायर, हाउ मेनी मीटर क्यूब इक्वल टू हाउ मेनी क्यूबिक फीट, ओके। यानी कि आपका जो वन फीट होता है वो होता है हमारा 30 सेंटीमीटर, 30.48 बोलते हैं उसको, यानी कि 12 इंचेस, ओके। ये तो हुआ हमारा वन फीट। वन मीटर बोलेंगे आप तो वन मीटर होता है हमारा 3.28 फीट, आप वो देख सकते हो 3.28 फीट, यानी कि 100 सेंटीमीटर, यानी कि आपका होगा वो 1000 mm, ओके। गाइज आप सोच रहे होगी कि ये 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट कैसे आया, आप देख सकते हो इसमें 1 फीट इक्वल टू 3.28 फीट कैसे आया। आपने मैंने कहा था कि 1 फीट इक्वल टू वो रहता है हमारा 30.48, ओके। अगर 100 से यानी कि 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर को आपने डिवाइड किया 30.48 से, यानी कि सेंटीमीटर में, ये आ जाएगा हमारा 3.28, ओके। इसलिए हमने कन्वर्जन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर 30.48 × 3.28 इक्वल टू 100 आना चाहिए, 9999, ओके, अप्रोक्सीमेटली 100 आता है वो, 3.28 × 30.48 देख सकते हो आप। तो आज ये तो हुआ हमारा मीटर टू फीट कन्वर्जन, मीटर टू फीट। अगर आपको चाहिए फीट टू मीटर तो वन फीट हो, हमारा वन फीट होता है 30.48 सेंटीमीटर, यानी कि 3.48 मीटर होता है हमारा, सॉरी 0.3048 मीटर होता है वन फीट, यानी कि आपका जो 3.28 फीट है वो रहता है हमारा 1 मीटर के आसपास। अगर आपको 10 मीटर चाहिए तो आप कर सकते हो 10 मीटर इज इक्वल टू 10 × जो कि हमारा 3.28 है 1 मीटर के लिए, जो आता है 32.8 फीट, ओके। जो कि हमारा 10 मीटर आ गया 32.8 फीट में, 10 मीटर इक्वल टू 32.8 फीट में आ गया है, ओके, 10 मीटर के बारे में।
अगर आपको साइट एज ए साइट इंजन आपको दिया है 10 फीट, इसका कन्वर्जन आप मीटर में कैसे करोगे, इक्वल टू हाउ मैनी मीटर्स। ओके, ये वाला आप कैसे करेंगे 10 फीट, यानी कि हाउ मैनी मीटर्स, सोच लो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यानी कि आपको मीटर का फीट में तो आ गया, मगर फीट का मीटर में तो मे भी आना चाहिए आपको, जो भी फीट में इंचेस है वो आपको मीटर में भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे गाइस। तो हाउ टू कैलकुलेट फीट इनटू मीटर, फीट टू मीटर। ओके, आप वो सोच लीजिए गाइस और कमेंट में लिख लीजिए, लिख दीजिए। तो गाइस हमको निकालना था कई 10 फीट इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। तो 10 फीट आते हैं गाइस हमारे, आप तो आपको बताए 1 मीटर यानी कि 3.28 फीट। ओके, अगर 10 फीट से आपको आपने 3.28 से डिवाइड किया तो आ जाएगा हमारा, देख सकते हो आप, 10 डिवाइड बाय 3.28, 3.04 आता है गाइस, यानी कि 3.04 मीटर आता है। यानी कि आप समझ सकते हो 3 फीट में 1 मीटर है। ओके, अप्रोक्सीमेट, यानी कि हमारा 10 फीट हो गया, हमारा 3 मीटर के आसपास हो रहा है। ओके, ये जो हमारा आता है वो है 3.04 मीटर। तो गाइस आज के लिए इतना ही। एज अ साइट इंजीनियर आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, आपको वो मीटर का फीट में कन्वर्जन तो आना ही चाहिए, वो तो बेसिक है गाइस। 1 मीटर यानी कि हाउ मेनी सेंटीमीटर, हाउ मेनी फीट। इसके आगे वाले वीडियोस में हम कवर करेंगे स्क्वायर फीट और मीटर क्यूब के बारे में। ओके, और ब्रास, हाउ मेनी ब्रास इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब, एक ब्रास अपना कितना होता है। एज अ साइट इंजीनियर आप जब साइट पे जाओगे तो आपको ये चीज़ें बाय बाय रोट होनी चाहिए, आपको ये चीज़ें आपको मगअप नहीं करने की ज़रूरत है, ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आती ही गई एज अ प्रैक्टिस। ओके, तो गाइस इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो गाइस पहली बात तो ये, आपको एज ए साइट इंजीनियर आपको मेजरिंग टेप तो आपके पास चाहिए गाइस, एक फ्रीमैंस का मेड इन इंडिया टेप है गाइस, जो कि हैंडलिंग में बहुत ही अच्छा है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पर टेप का जो भी मेजरिंग है, मेजरमेंट है, बहुत ही सिंपल है गाइस, इजी टू यूज है गाइस एज ए साइट इंजीनियर। 50 मीटर का टेप है, अगर आपको ये टेप चाहिए तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है गाइस, आप उस लिंक पे जाके ये टेप बाय कर सकते हो। अभी बाय किया तो आपको 30% का ऑफर चल रहा है गाइस, अगर मेरे लिंक से आप ये टेप बाय करेंगे तो। तो गाइस अमेज़न पे बहुत ही अच्छी डीलिंग है इस पर, अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरी लिंक से बाय करना गाइस, आपको ऑफर मिलेगा। तो गाइस अगर आप डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हो, प्लानिंग में इंटरेस्टेड हो, या फिर इस्टीमेशन और क्वांटिटी में इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे फ्रीली कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग आरसीसी वर्क, जो कि आरसीसी हमारे हायरेज बिल्डिंग होते हैं या फिर हमारे जो घर के प्लॉट होते हैं उसके बारे में आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें फ्रीली कॉल कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सएप को मुझे मैसेज कर सकते हो कोई डाउट हो तो, वहाँ पर मैं फ्रीली आपके डाउट क्लियर करूँगा गाइस। जो भी प्रॉब्लम हो, एस्टिमेशन में हो, प्लानिंग में हो, डिटेलिंग में हो, या फिर आरसीसी ड्राइंग के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो मेरे साथ डिस्कस करना गाइस, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा गाइस। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो गाइस, थैंक यू। तो और एक बात गाइस, गाइस मैं फ्रीलांसर वर्क भी करता हूँ गाइस, मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है। अगर आपको कोई डिज़ाइन चाहिए आरसीसी के बारे में, डिज़ाइन चाहिए आरसीसी डिज़ाइन चाहिए, ड्राइंग चाहिए, किसी घर का प्लानिंग चाहिए, 2D 3D प्लानिंग चाहिए, एस्टिमेट चाहिए किसका, या फिर आपको टेंडर या फिर लाइसेंस निकालना है PWD का, एज अ कॉन्ट्रेक्टर कैसे वर्क करते हैं आपको जानना चाहते हो, तो आप मुझे
कॉल्स कर सकते हो गाइस, जो कि मैं आपको बहुत ही कम रेट में आपको वो दूंगा आपको। ओके, तो गाइस ऐसे चैनल को सपोर्ट करना गाइस, और आने वाले टाइम में बहुत ही चैनल ग्रो होने वाला है गाइस, आप वो इमेजिन नहीं कर सकते। आपका सपोर्ट ही आप मेरे लिए अच्छा है गाइस। थैंक यू।